हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय आर पाटिल में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ घर पे सा रिलैक्स, एक साल से 6 मंथ या 1 साल के बच्चे के लिए। सर तो सबसे पहले हमें कढ़ाई रखनी है। कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें मूंग दाल डाल देंगे। मैंने मूंग दाल लिए और जो बासमती चावल आते हैं वो लिए, और घर के चावल भी लिए थोड़े से। और आपको जो पसंद है, आप वो बच्चे इतने मंथ का बेबी है उसके अनुसार आप ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करना है। इसको अच्छी तरह हमें स्मेल आने तक दाल को पूरा भून लेना है। थोड़ा ब्राउन होने तक दाल को हम भून लेंगे। ये घर पे बनाया हुआ सा रिलैक्स बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसका वेट भी बहुत जल्दी बढ़ता है। आप बाहर का सा रिलैक्स कितना भी खिलाओ उससे बच्चे का पेट कम भरता है। ये आप एक बार बना के जरूर बच्चे को खिलाओ। आप इसको मीठा भी बना सकते हो गुड़ डाल के। इसको कैसे बना के दिखाना है ये मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। अच्छी की तरह दाल को मैंने भून लिया है। अभी एक प्लेट में मैंने अभी इसे निकाल लिया है। दाल हमारी बहुत अच्छी तरह भून गई। अभी हम चावल और ड्राई फ्रूट्स पोहा वगैरह इसमें डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह लाल होने तक हम भून लेंगे। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है बच्चे के अनुसार आप इसमें डालो और इसमें डाल के खिलाओ। बच्चे खा भी लेते हैं और इसका वेट भी बहुत अच्छे से बढ़ता है। मेरा 7 मंथ का बेबी है। मैं भी एक टाइम इसको बना के खिलाती हूँ तो 3-4 घंटे तक आराम से भूख नहीं लगती। ये मैंने सारा मिक्स कर दिया है, अभी पूरा भून लिया है। इसको अब हमें सारा मिक्सी में पीस लेना है पूरा बारीक। हमें ये जो मोटा नहीं रखना है, पूरा बारीक पीसना है। मैं सारा इसमें ऐड कर दूंगी बर्तन में। ये भुना हुआ है ना तो जल्दी से मिक्सी में निकल जाता है। अगर थोड़ा दरदरा रह जाए तो आप छन्नी से छान लो। पूरा मैंने ये पीस लिया है और देख लेना कि हमारा घर का सा रिलैक्स कैसे बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल खाने में बहुत बढ़िया लगता है। ये कैसे बनाना है ये भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।